एक महंत मुख्यमंत्री के राज में एक हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या से यूपी से लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और सवालों के घेरे में यूपी सरकार और पुलिस है। कमलेश तिवारी की मां, पत्नी और बेटे ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर कई सवाल भी दागे। सीएम ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और इंसाफ का भरोसा भी दिलाया। इस बीच कमलेश तिवारी हत्याकांड के कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ते जा रहे हैं। लखनऊ में शुक्रवार को दिन दहाड़े कमलेश तिवारी की हत्या के पाकिस्तान कनेक्शन की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हत्यारों को लेकर मिले अहम सुराग की बात करते हैं। यही वो भगवा कपड़े हैं जिन्हें पहनकर दो लोगों ने कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया था। इन कपड़ों में खून के धब्बे भी साफ नजर आ रहे हैं। ये कपड़े लखनऊ के होटल खालसा इन के एक कमरे से मिले हैं जहां हत्यारे ठहरे थे। होटल में कपड़े के साथ साथ उनके बैग भी मिले हैं जिसकी छानबीन फॉरेंसिक टीम ने की है। लखनऊ के थाना केसरबाग के उसी क्षेत्र में हम मौजूद हैं जहां पर खालसा इन होटल यहां पे मौजूद है। जो होटल में बताया जा रहा है कि ये वो अपराधी यहां पे रुके थे जिन अपराधियों ने कमलेश तिवारी की हत्या की है। 17 अक्टूबर की रात होटल खालसा इन में दोनों हत्यारे ठहरने आए थे। होटल का उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दोनों अपराधी काउंटर पर दिख रहे हैं। चेक इन के वक्त इन दोनों ने अपने नाम अश्वाकुल और मोइनुद्दीन बताया था। उस टाइम मैं था और मेरा रूम सर्विस बॉय था जो नाइट ड्यूटी पे रहते हैं हम दोनों लोग, और करीब 11:08 पर रूम में चेक इन हुआ था उनका प्रॉपर आईडी के साथ रजिस्टर एंट्री सेल्फ अटेस्ट उन्होंने अपने आईडी को किया है और उसके बाद उनको रूम सर्विस बॉय ने रूम में छोड़ा। क्या नाम थे उनके? उनका नाम शेख अशफाकुल हुसैन और दूसरा नाम मोइनुद्दीन पठान था। होटल में चेक इन करने के अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे बड़े ही इत्मीनान से मौके से निकल गए और होटल पहुंचे थे। होटल में इन दोनों ने खून से सने अपने कपड़े चेंज किए और काउंटर पर आकर घूमने जाने की बात कहने लगे। दोनों ने चेकआउट नहीं किया बल्कि होटल के स्टाफ को झूठ बोल कर निकल गए और फिर लौटे नहीं। चेकआउट उन्होंने नहीं किया, उसके बाद चेकआउट नहीं किया और वो वापस 1:36 या 1:38 पर लगभग रूम से वापस आए कपड़े चेंज करके और रूम के बाहर चले गए और ये बोल चाबी दे के गए रिसेप्शन पे बोल कर गए कि हम अभी शाम तक वापस आएंगे। कमलेश तिवारी 2015 में विवादित भाषण देकर चर्चा में आए थे जिसके बाद कुछ मौलानाओं ने उनका सिर कलम करने पर करोड़ों रुपए देने का ऐलान किया था। तब से वो धमकियों के साए में जी रहे थे। उन्हें मामूली सुरक्षा तो दी गई थी लेकिन सुरक्षा बढ़ाने की उनकी मांग पर न योगी सरकार ने ध्यान दिया और न ही पुलिस ने, और नतीजा ये हुआ कि लखनऊ में उनके दफ्तर में घुसकर दो लोगों ने उनकी जान ले ली। कातिलों ने बेहद ही क्रूरता के साथ कमलेश तिवारी की हत्या की थी जिसकी गवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चीख चीख कर दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी की गर्दन पर 13 बार चाकू से हमला किया गया, बाईं ओर 8 और दाईं ओर 2 बार वार किया गया जबकि पीछे से 3 बार चाकू मारे गए। हत्यारों ने एक गोली जबड़े में मारी जो पीठ को चीरती हुई निकल गई। जिस प्रकार से कमलेश तिवारी जो हिंदूवादी नेता थे, काफी हिंदुत्व के लिए समर्पित रहते थे, वो उनपे हमला हुआ, उनकी हत्या कर दी गई और बड़ी बेरहमी से हत्या, उनकी निर्ममता से हत्या की गई और उनको गोली भी मारे गए, उनके गर्दन को भी काट दिया गया और उसी स्टाइल में काटा गया जैसे आईसिस काटता है। कमलेश हत्याकांड का सिरा अब 3 राज्यों से जुड़ता दिख रहा है। यूपी में हत्या हुई और इसकी साजिश गुजरात के सूरत में रची गई। सूरत का जो रशीद इस कत्ल का मास्टरमाइंड है, उसने हत्या के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में एक शख्स को फोन कर जानकारी दी थी। कमलेश हत्याकांड का नागपुर कनेक्शन सामने आते ही यूपी पुलिस ने महाराष्ट्र ATS से संपर्क किया। रशीद ने जिसे फोन किया उसे महाराष्ट्र ATS ने हिरासत में ले लिया है। हम लोगों ने गुजरात के ATS से फिर संपर्क किया, महाराष्ट्र के ATS से संपर्क किया। हम सारी उन बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं जो जरूरी है इस विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए। अब तक कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है। सूरत से मास्टरमाइंड रशीद, मोहसिन और फैजान को हत्या के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, तो बिजनौर से उन 2 मौलानाओं अनवारुल हक और मुफ्ती नईम काजमी को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने कमलेश तिवारी का सिर कलम करने का फतवा जारी किया था, और अब नागपुर से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस बीच कमलेश तिवारी की हत्या के पाकिस्तान कनेक्शन का चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है।
कमलेश तिवारी हत्याकांड के मास्टरमाइंड सूरत के रशीद का दुबई से लेकर पाकिस्तान तक का कनेक्शन सामने आया है। दुबई की जिस कंपनी में रशीद काम करता था उसका मालिक पाकिस्तान के कराची का है। यहां गौर करने वाली बात ये है कि कमलेश तिवारी को दुबई और पाकिस्तान से भी जान की धमकियां मिली थी। इस बीच हत्यारों के सीसीटीवी फुटेज में दिखी महिला को पुलिस ने खोज निकाला है और उससे डीजीपी ने खुद बात की है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये महिला सड़क पर जा रही थी, तब दोनों हत्यारों ने उससे खुर्शीदाबाद जाने का रास्ता पूछा था जहां कमलेश तिवारी का घर था। महिला ने कुछ दूर साथ में चलते हुए खुर्शीदाबाद जाने का रास्ता दिखाया था। उस महिला से भी हम लोग बात किया, उससे पूछताछ की, जो महिला का सीसीटीवी पे फुटेज आया था। तो सब चीज़ देख रहे हैं और सारे ऑप्शंस हमारे पास खुले हुए हैं और उन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए विवेचना आगे बढ़ रही है। यूपी पुलिस की एसआईटी कमलेश हत्याकांड का सिरा जोड़ने में जुटी हुई है, लेकिन परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं दिख रहा है। घर वाले एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। सर, हमें एनआईए से जांच चाहिए, बस उसके अलावा हम किस लोगों से भरोसा नहीं। सर, सुरक्षा कर्मी मिले होने के बावजूद प्रशासन के थे, तब हमारे पापा का मर्डर हो गया, तो सुरक्षा प्रशासन में हम क्या भरोसा कर सकते हैं। जिस यूपी पुलिस ने कमलेश तिवारी की सुरक्षा बढ़ाने की गुहार पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई, वो अब उनके मारे जाने के बाद जांच पड़ताल में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अब देखना है कि कमलेश हत्याकांड के कत्ल के तार और कहां कहां तक जाते हैं और कौन कौन शिकंजे में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।